जब बीजीएमआई बैन नहीं था तो आप उसको कैसे डाउनलोड करते थे? आईफोन में एप्पल स्टोर से डाउनलोड करते थे एंड एंड्रॉइड में प्ले स्टोर से डाउनलोड करते थे। लेकिन गाइस बीजीएमआई तो इस टाइम पे एप्पल स्टोर एंड प्ले स्टोर पे है ही नहीं, तो आप उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? आईफोन में डाउनलोड कर सकते हैं और आप एंड्रॉइड में भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड्रॉइड में तो डाउनलोड करने के कई सारे मेथड्स हैं, जिसमें से कुछ आपके लिए सेफ मेथड्स हैं, कुछ अनसेफ मेथड्स हैं। तो दोनों ही मेथड्स यहाँ पे गाइस मैं आपको बताऊंगा एंड्रॉइड में। आईओएस में कैसे डाउनलोड करना है वो भी गाइस मैं आपको बताऊंगा। वीडियो गाइस अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो अभी यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप आईफोन डिवाइस देख पा रहे हैं, राइट साइड में एंड्रॉइड डिवाइस देख पा रहे हैं। तो पहले यहाँ पे गाइस हम लोग एंड्रॉइड डिवाइस में देख लेते हैं कि बीजीएमआई को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, क्या सेफ मेथड्स हैं, क्या अनसेफ मेथड्स हैं डाउनलोड करने के। सबसे पहले यहाँ पे गाइस मैं आपको इजी मेथड्स से बताता हूँ। इजी मेथड से मतलब कि अगर आपने यहाँ पे कोई भी न्यू एंड्रॉइड डिवाइस परचेस किया है, उसमें आप बीजीएमआई डाउनलोड करना चाहते हैं और आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जिसके पास बीजीएमआई है, उससे गाइस लेकर के आप अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये चीज पता होगी, लेकिन जिन लोगों को ये चीज नहीं पता होती तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। ठीक है, आपको भी कुछ ऐसी चीजें होती जो नहीं पता होंगी तो आप उसमें कितना ज्यादा परेशान हो जाएंगे। तो अपनी फ्रेंड की डिवाइस से बीजीएमआई लेने के यहाँ पे दो मेथड्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो गाइस सेट से आप सिर्फ बीजीएमआई को ऐप से ले सकते हैं, दूसरा यहाँ पे बीजीएमआई की ऐप तो लेंगे ही प्लस उसके साथ ओबीबी फाइल भी लेंगे। इससे क्या होगा कि आपको ओबीबी फाइल अपने इंटरनेट से डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ अपने फोल्डर में जाके वहाँ पे पेस्ट कर देना पड़ेगा, देन बीजीएमआई आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको ज्यादा डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, तो वो ज्यादा इजी पड़ जाता है। तो सेट से गाइस आप बीजीएमआई ऐप को कैसे लेंगे, एंड्रॉइड फाइल को कैसे लेंगे देख लेते हैं। ठीक है, तो बीजीएमआई ऐप को लेने के लिए गाइस आपको सेट को ओपन करना पड़ेगा जिसमें भी आपका बीजीएमआई इंस्टॉल है। ठीक है, उसके बाद आपको सेंड वाले ऑप्शन में जाना है। सेंड वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया वाला ऐप शो कर रहा है, इस पे जस्ट आपको क्लिक करना है, देन सेंड कर देना है, अपने दूसरी एंड्रॉइड डिवाइस में रिसीव कर लेना है। इतना कर लेने के बाद जब आपका ऐप चला जाएगा उस न्यू डिवाइस में जिसमें कि आप बीजीएमआई इंस्टॉल करना चाहते हैं, उसके बाद गाइस आपको ओबीबी फाइल को सेंड करना है। ओबीबी फाइल सेंड करने के लिए गाइस आपको फाइल मैनेजर में जाना पड़ेगा। ठीक है, फाइल मैनेजर में जाएंगे, देन उसके बाद आपकी फाइल मैनेजर में एक एंड्रॉइड नाम का फोल्डर होता है उसमें जाना है, देन ओबीबी फाइल का फोल्डर होगा उसमें जाना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको com.pubgimobile करके ऑप्शन मिल जाएगा, उस पे चले जाना है। तो ये यहाँ पे ओबीबी फाइल आप देख पा रहे हैं, इसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद सेंड करना है। सेंड करने के बाद यहाँ से अपना सेलेक्ट वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है, देन अपनी न्यू डिवाइस में सेंड कर लेना है। तो आप यहाँ से ओबीबी फाइल भी अपनी न्यू डिवाइस में भेज पाएंगे जिसमें आप बीजीएमआई इंस्टॉल करना चाहते हैं। इतना कर लेने के बाद गाइस आपको उस ऐप को इंस्टॉल करना है। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद सेम इसी तरह से अपनी न्यू डिवाइस में एंड्रॉइड वाले फोल्डर में जाना है, ओबीबी वाले फोल्डर में जाना है, देन इसी तरह से एक फोल्डर क्रिएट करना है com.pubgimobile, जैसे स्मॉल फॉन्ट में इसी तरह से एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है। देन उसके बाद इसी में आपको जो आपने ये ओबीबी फाइल ली है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद अपने बीजीएमआई ऐप को आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद गाइस आप अपने बीजीएमआई गेम को प्ले कर पाएंगे। एक तो ये मेथड हो गया, लेकिन गाइस अगर यहाँ पे ये बात आ जाती है कि आपको कोई भी ऐसा फ्रेंड नहीं है जिसके डिवाइस में बीजीएमआई है एंड उससे आप बीजीएमआई को ले पाए, ठीक है, तो आप फिर बीजीएमआई को अपने डिवाइस में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं? उसके लिए गाइस आपको अपने ब्राउजर पे जाना है। ब्राउजर पे जाने के बाद गूगल में टाइप करना है BGMI 2.1 APK Pure, इतना टाइप कर देंगे तो यहीं से गाइस आपको वो वेबसाइट जो ऊपर देख पा रहे हैं ये मिल जाएगी, और यहीं से गाइस आप बीजीएमआई का 2.1 का ऐप भी डाउनलोड कर पाएंगे एंड उसका ओबीबी फाइल भी डाउनलोड कर पाएंगे। और मैंने आपको गाइस यहाँ पे बता ही दिया है कि आपको इंस्टॉल कैसे करना है। आगे और डिटेल में आपको जानना है कैसे इंस्टॉल करना है तो आपको यूट्यूब पे काफी सारी वीडियोस मिल जाएंगी कि एपीके एंड ओबीबी फाइल को कैसे अपनी डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये दो तरीके गाइस आपने एंड्रॉइड में देखे लिए हैं आपको एंड्रॉइड में कैसे डाउनलोड करना है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा सेफ तरीका था वो हमारा सेरेट वाला था। जो अनसेफ तरीका है वो आप जो गूगल पे जाकर सर्च करेंगे बीजीएमआई एपीके ओबीबी, तो जो मैंने वेबसाइट बताई वो तो सेफ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी वेबसाइट है जो वहां पे फेक रहती है, स्पैम रहती है, जिनको आप अपने डिवाइस में इंस्टॉल करते हैं तो आपकी डिवाइस में वायरस आ जाते हैं, आपकी डिवाइस की स्पीड स्लो हो जाती है एंड यहाँ पे आपकी डिवाइस की बैटरी भी काफी ज्यादा कंज्यूम होने लगती है, आपका डिवाइस हैंग करने लगता है। ठीक है, तो उन सभी चीजों से बचें एंड जो भी सेफ तरीका है वही यहाँ पे अपनाएं। तो ये तो हो गया गाइस अपना एंड्रॉइड डिवाइस का कि इसमें आप बीजीएमआई को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं गाइस यहाँ पे आईफोन डिवाइस में बीजीएमआई को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं बीजीएमआई बैन होने के बाद। अभी तक तो गाइस कई लोग इनको नहीं पता होगा तो उनके लिए तो बिल्कुल भी इम्पॉसिबल लग रहा होगा यार, आप न्यू आईफोन डिवाइस में बीजीएमआई को डाउनलोड कर सकते हैं, ओल्ड आईफोन डिवाइस में भी कर सकते हैं, मतलब जिसमें कि बीजीएमआई नहीं है, ऐसा पॉसिबल है गाइस आप कर सकते हैं? ठीक है, उसके लिए गाइस आपको क्या करना पड़ेगा मैं यहाँ पे आपको एकदम डिटेल में बता देता हूँ। एंड मैंने आपको पहले भी बताया है बट हो सकता है कई सारे नए जो सब्सक्राइबर जुड़े होते हैं उनको नहीं पता होता है, इसीलिए मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ एक बार फिर से। उसके लिए गाइस आपको क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल गाइस आपकी डिवाइस में बीजीएमआई नहीं है, आपको कोई ऐसा फ्रेंड है जिसके डिवाइस में बीजीएमआई है,
तो उसकी एप्पल आईडी आपको अपने आईफोन में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद अपने एप्पल स्टोर को ओपन करना है, जो प्रोफाइल का ऑप्शन देख पा रहे हैं इस पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक परचेस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पे चले जाना है। इस पे चले जाएंगे गाइज तो जो गाइज आपका BGMI यहाँ पे मिल जाएगा, तो यहाँ से गाइज अपनी न्यू डिवाइस में इसको आप डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात आ जाती है, कोई भी ऐसा आपका फ्रेंड नहीं है जिसके पास आईफोन नहीं है, या फिर आईफोन है भी तो उसमें BGMI नहीं है, तो आप अपने डिवाइस में कैसे BGMI डाउनलोड करेंगे? तो उसके लिए गाइज यूट्यूब पे काफी सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी एप्पल आईडी को दे रहे हैं BGMI को डाउनलोड करने के लिए। कुछ ऐसे लोग हैं जो फ्री में दे रहे हैं, बट कुछ ऐसे लोग हैं जो थोड़ा बहुत चार्ज यहाँ पे ले रहे हैं। आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं एप्पल आईडी गिव अवे, वहाँ पे आपको कई सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो वो लोग गाइज आपको अपनी एप्पल आईडी दे देंगे, उसी एप्पल आईडी को आप अपने डिवाइस में लॉग इन करेंगे, देन BGMI को यहाँ पे आप अपनी आईफोन डिवाइस में भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये जो गाइज मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, अभी इस टाइम पे BGMI बैन है, तो आप इसी तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, और भी कोई रास्ता नहीं है। मैंने आपको एंड्रॉइड में भी बता दिया है एंड आईफोन में भी बता दिया है। आई होप गाइज आप लोग बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे, फिर भी अगर आपके मन में डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट में बता देना, मैं उसको भी क्लियर कर दूंगा। आई होप गाइज आज की वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे इसी तरीके एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।